इस वीडियो में मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास एफ। मेन मेथड हमने डिफाइन किया। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है, स्टैटिक मेथड वॉइड प्रो, और ये कैसा है, ये बाइट पैरामीटराइज मेथड है। तो हम इसे जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे प्रो मेथड को, वो एक बाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और उसे हमने लोकल वेरिएबल एक्स में होल्ड करना है और उसे प्रिंट कर देना है। इस तरह से हमने प्रो मेथड को डिफाइन किया। क्योंकि एफ क्लास का स्टैटिक मेथड है, मैं इसे सीधे कॉल कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन इसे एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। इमेजिन हमारे पास कोई इंटीजर वेरिएबल है ए, और हमने उसमें 2 असाइन किया है, और हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल पास करते हैं, तो क्या होगा। तो जब हम लोग आर्ग्यूमेंट पासिंग के थ्रू एक्स को इनिशियलाइज करेंगे, तो आप एक इमेजिन करो, जो आपका प्रो नाम का मेथड है लाइन नंबर 2 पे, उसका जो पैरामीटर वेरिएबल है एक्स, वो कैसा वेरिएबल है, बाइट वेरिएबल। मान लो मैं यहाँ एक्स लिख देता हूँ, तो इसे जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो, ये हमारा मेथड डेफिनेशन है, ये मेथड कॉल है। कॉल करते समय आपने जो आर्ग्यूमेंट पास किया है, क्या हम प्रो मेथड में जो पैरामीटर वेरिएबल एक्स है उसको असाइन कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। तो रूल क्या बोलता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग जहां नर्विंग कन्वर्जन है, वहां तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, तो ये तो फेल हो जाएगा। मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। एफ डॉट जावा, जावा सी, एफ डॉट जावा हमने कंपाइल किया, और इसने कहा कि इस स्टेटमेंट को तो मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, कि जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वो भी तो जाके आपके पैरामीटर वेरिएबल को असाइन हो जाता है। हाँ, बस असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता है, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट पासिंग के थ्रू हम ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ, तो आपको एक्सपीरियंस करना है इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, सम मैसेज हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। ओके, राइट नाउ, तो अभी हमें यहाँ क्या देखना है कि इमेजिन अगर मैंने यहाँ वेरिएबल की जगह कॉन्स्टेंट वैल्यू पास किया होता, तब तो हमने सुना है कि हम जब कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू को असाइन करते हैं, तो अगर वेरिएबल इंट से स्मॉलर टाइप का वेरिएबल है, बाइट शॉर्ट कैर टाइप का वेरिएबल है, और हम उसे कोई इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं, रेंज के अंदर का वैल्यू असाइन करते हैं, तो इवन दो ये नर्विंग कन्वर्जन है, हमें टाइप कास्ट करना एग्जेम्प्टेड है। पर मैंने उस समय क्लॉज और भी बोला था, असाइनमेंट ऑपरेटर का अगर आपने यूज करके असाइन किया है, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। इस केस में क्या हो गया, मैंने प्रो मेथड कॉल किया है, इसमें एक इंटीजर कांस्टेंट असाइन किया है, जो कि हमारे प्रो मेथड का पैरामीटर वेरिएबल एक्स, जो कि बाइट वेरिएबल है, उसको असाइनेबल है, क्योंकि ये तो रेंज के अंदर है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है कि आपने नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट पासिंग हो रही है। यहाँ तो आपको टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिटली करना होगा, क्योंकि 2 एक इंटीजर कांस्टेंट है, और इंट को अगर आप बाइट में असाइन करते हो, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैं इस कोड को वंस अगेन कंपाइल करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा स्टेटमेंट था, आपने 2 पास किया था, इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है, हमारे मेथड बाइट पैरामीटराइज है, और हमने इंट आर्ग्यूमेंट पास किया, तो आपको वही सेम एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा जो आपको सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन करने पे मिलता था, है ना। यानी कि अगर किसी बाइट वेरिएबल को आपने इंटीजर कांस्टेंट असाइन किया है, रेंज के अंदर का वैल्यू है, और क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके आपने असाइन किया, तो ये एक लीगल कोड है। इवन तो ये नर्विंग कन्वर्जन का एग्जांपल है, आपने टाइप कास्ट नहीं लिखा है, फिर भी ये एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है, और ये पॉसिबल होगा। लेकिन यही आप अगर आर्ग्यूमेंट पासिंग से अचीव कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने देखा ये फेल हो गया सिंपली। मैं यहाँ पर टाइप चेंज कर देता हूँ, हमने कहा शॉर्ट, और हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किया, सपोज 200, शॉर्ट का रेंज क्या होता है, -32768 से लेकर 32767, उस रेंज के अंदर का वैल्यू है, इंटीजर कांस्टेंट है, और इंट से जो स्मॉल टाइप शॉर्ट को असाइन कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके असाइन नहीं कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे नहीं लिख रहे हो शॉर्ट वेरिएबल
एक्स को 200 असाइन कर दो, ऐसा नहीं है। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है क्या? नहीं, आप आर्ग्यूमेंट पासिंग कर रहे हो। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको टाइपकास्ट एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। मैं इसे कंपाइल करता हूँ, आप देखो आपने प्रो में 200 पास किया, ये बता रहा है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। तो हम इंट को आप शॉर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, 200 एक इंटीजर वैल्यू है पर ये शॉर्ट में कन्वर्टेबल नहीं है, ये तो नरविंग कन्वर्जन है, तो इस तरह से ये फेल हो गया, राइट। तो आपको ध्यान रखना है जब हम आर्ग्यूमेंट पासिंग करते हैं तब ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर इसे पॉसिबल बनाना होगा तो इस इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू 200 को हमें पहले टाइपकास्ट करना होगा। तो किसी वैल्यू को टाइपकास्ट करने के लिए टाइपकास्टिंग ऑपरेटर लिखते हैं जो कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, तो उसके अंदर टाइप स्पेसिफाई करते हैं। 200 बाय डिफॉल्ट इंट ट्रीट हो रहा है, मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या ये कोड अब कंपाइल हो जाएगा? मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, ये देखेंगे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इनफैक्ट आप रन भी कर सकते हो, और क्योंकि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसकी वजह से ये प्रिंट भी हो गया है। नाउ, तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट पासिंग के समय पर वो जो एक्सेम्पशन है रूल को वो हमें नहीं अचीव होगा। इसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन करने पर ही ये एग्जेम्पशन हमें अचीव होगा। तो मैं यहाँ इस एग्जाम्पल को क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक और पॉइंट प्रेजेंट करूँगा।